नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। आइए जानते हैं रेलवे के इस हफ्ते के हाइलाइट्स। यात्रियों की सुरक्षाओं को देखते हुए रेलवे ने सर्विलांस ड्रोन की उड़ान की शुरुआत की है। आसनसोल से अहमदाबाद के बीच चलने वाली नई ट्रेन के लिए अब अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। रेलवे ने इस ट्रेन को अगले साल जनवरी में चलाने का निर्णय लिया है। झांसी मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों का टाइम टेबल चेंज हुआ है। यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन का समय जरूर चेक कर लें। एमपी के कटनी शहर में बन रहा है रेलवे का सबसे बड़ा ओवरब्रिज। यह 679 खंभों पर खड़ा हुआ है, 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस ब्रिज पर मालगाड़ी जैसी ट्रेनें दौड़ेंगी। भोपाल और जबलपुर मंडल की सभी ट्रेनों का टाइम टेबल आज से बदल गया है, तो जो भी यात्री सफर करना चाहते हैं अपनी ट्रेन का समय जरूर चेक कर लेंगे, और यदि कोई दिक्कत होती है तो 139 पर कॉल करके आप ट्रेन का पता लगा सकते हैं। ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव होने से 326 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल से रेलवे के टाइम टेबल में बदलाव नहीं हुआ था, जो आज 1 अक्टूबर से हो गया है। कोरोना के बाद जो ट्रेनें चालू हुई थी उनमें या तो स्पेशल लिखा हुआ था या फेस्टिवल लिखा हुआ था, जो अब सभी ट्रेनों से हट जाएगा। कोरोना के बाद शुरू हुई ट्रेनों को शून्य से शुरू किया गया था, जिससे अब ट्रेनों में शून्य भी हट जाएगा। अभी तक टाइम टेबल ऑफलाइन था, लेकिन अब ट्रेन का टाइम टेबल डिजिटल टाइम टेबल पर आएगा। इस टाइम टेबल के बदलाव से बहुत सारी ट्रेनों के टाइम में बदलाव हुआ है तथा बहुत सी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, तो सफर करने के पहले आप अपनी ट्रेन का समय जरूर चेक कर लीजिएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए तथा भीड़भाड़ कम करने के लिए ऑनलाइन टिकट की शुरुआत की थी, लेकिन बहुत कम ही यात्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, क्योंकि वह वेबसाइट इंग्लिश में है, जिससे इंग्लिश समझने में बहुत से लोगों को परेशानी होती है, जिसकी वजह से रेलवे ने अब उस वेबसाइट को हिंदी भी कर दिया है, जिससे अब जो हिंदी वाले यात्री होंगे वह अपनी ट्रेन की टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकेंगे, और बहुत जल्द ही भारत की अन्य भाषाओं में भी रेलवे की टिकट बुकिंग होने लगेगी। कोरोना काल के कारण रेलवे का संचालन बंद था, जो धीरे धीरे शुरू हो चुका है। वैसे ही मंगलवार को बालाघाट स्टेशन पर सवारी गाड़ी पहुंची, जिससे यात्री अभी तक तो ट्रेन के बंद होने से परेशान थे, लेकिन मंगलवार को यात्री गाड़ी पहुंचने से यात्री इतने ज्यादा उत्साहित हुए कि उन्होंने चालक परिचालक को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। गोंडा रांची एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इस ट्रेन को रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की थी। अब इस ट्रेन पर स्पेशल ट्रेन का किराया किसी भी यात्रियों को नहीं देना पड़ेगा। अब ट्रेनें सामान्य किराए पर ही चलेंगी। IRCTC धनबाद से वैष्णो देवी के लिए टूर ले जा रहा है। यह यात्रियों के लिए काफी किफायती होगा व सस्ता होगा। IRCTC के अनुसार वह यात्रियों को वैष्णो देवी, हरिद्वार और उसके आसपास के अन्य कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगा। नवंबर में करिए दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन। IRCTC इंदौर से चला रहा है स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश के इंदौर से IRCTC एक स्पेशल टूरिज्म ट्रेन चला रहा है, जिसमें वह दक्षिण भारत के मंदिरों के दर्शन कराएगा। मलेशिया, सिंगापुर या अमेरिका जाने के लिए आपको वीजा या पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिका इंडियन रेलवे की मदद से सफर कर सकते हैं ट्रेन के द्वारा। इन सभी खबरों को डिटेल्स में पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं।
आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। रेलवे की और भी जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। धन्यवाद।